वो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। हेलो डॉक्टर साहब, आपको ये अच्छी तरह पता है ना कि जब तक उमी का दिमाग कमजोर रहेगा आपकी कमाई होती रहेगी। आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी दवाइयों का असर कम होने लगा है। नकुल जी, ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि मैं तो हैरान हूं, इस बार तो मैंने काफी हैवी डोज दी थी। डॉक्टर साहब, हम मर्डर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उम्मीद ठीक हो गया ना तो हमें दो मर्डर करने पड़ेंगे, पहला आपका और दूसरा ओमी का। हम नकुल भैया से बात ही नहीं करेंगे। नीतू जी ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से कल मैं ऑफिस के लिए तैयार किया था, और हम भी कितने खुश थे कि पहली बार नीतू जी के कहने पर हम ऑफिस जाएंगे। लेकिन भैया ने सब चौपट कर दिया। हमें माफ कर दीजिए नीतू जी। क्या हुआ? हमने आपका दिल दुखाया। हम बहुत खुश थे, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं। हम भी ऑफिस जा सकते हैं और हम ऑफिस जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाए। उमी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती है। हम कितनी भी कोशिश करें कुछ कर ही नहीं पाते। आपको खुश रखने की कितनी कोशिश करते हैं लेकिन हर बार मुंह के बल गिर जाते हैं। उमी जी, आप एक बात बताइए, ऑफिस में नकुल भैया के सिवाय आप किसी को जानते हैं क्या? हमारे मैनेजर अंकल हैं, जो हमारे भाऊजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर समझिए आपका काम हो गया, पर आप ये बात नकुल भैया को नहीं बताएंगे। मैं खुद आपके मैनेजर अंकल से बात करूंगी, आप उनसे अपना सारा ऑफिस का काम सीख सकते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम उनको फोन लगा रहे हैं। एक मिनट। हेलो अंकल, हम ओमी बोल रहे हैं। ओमी बेटे, अरे तुमने हमें कैसे याद किया? हमें आपसे कुछ काम था। वो नीतू जी है ना, नीतू जी हमारी वाइफ, वो आपसे बात करना चाहती थी। हमसे? वो तो वही बताएंगी, लेकिन ऑफिस के काम की बात है। ओमी बेटे, इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, लेकिन प्रॉमिस रहा, बाद में मैं तुमसे, तुम्हारी वाइफ से, दोनों से बात करूंगा। जी अंकल जी, आप नकुल भैया से प्लीज कुछ कहिएगा मत। ओके, थैंक यू। वो अभी बिजी हैं, बाद में फोन करेंगे। जब
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याण पालख हो हे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याण पालख हो हे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना आज का पीओ ए क्या है प्लान ऑफ एक्शन आज हम चाट खाएंगे और फिर पग उतर गएंगे कुछ भी मैंने क्या कहा अरे मैंने कहा हम चाट खाएंगे और रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे और फिर तुमने क्या सोचा अच्छा जी चलो तुम स्कूटर आज मैं चलाऊंगा और मैं पीछे बैठूंगा हाँ। नो वे एक पंजाबी मुंडा लड़की के पीछे तो नहीं बैठ सकता पंजाबी कुड़ी वो भी दिल्ली की पंगा मत लो चुपचाप पीछे बैठो चलो हेलो
क्या हाल है नकुल सिंह डागर के पीठ में छुरा भोंकने के बाद? बहुत बढ़िया अनीता, हम तो आनंदित जीवन जी रहे हैं। और ये जानकर कि तुम अब भी उसी सदमे में हो, मन और प्रफुल्लित हो उठा। नकुल, नागिन जब सोती भी है ना तो एक कारण से, लेकिन वो कब अपना फन उठा ले किसी को खबर नहीं होती। बचकर रहना चाहिए। I'm busy. Bye. फोन रखने से पहले एक बात सुन ले, तुम्हारा हाल जानकर अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करना चाहती हूं। सोचो, ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, हर तरह से ठीक ठाक लड़की नीतू का रिश्ता तुम्हारे पागल भाई ओमी से करने को सेठी परिवार तुरंत मान गया? सोचो, और जब जवाब मिल जाए तो फोन करना। ओके? नकुल, हमारे ऊपर फोन काटने की जरूरत मत करना। जवाब क्या है ये कहो। अरे वाह, तुम तो कोशिश भी नहीं करना चाहते। क्यों, बहुत बेचैनी हो रही है ना? बड़े उतावले हो रहे हो जवाब जानने के लिए। अच्छा है, कुछ दिन इसी बेचैनी में गुजारो। पीठ में छुरा भोंकने की इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए तुम्हें। अनीता ऐसा क्या जानती है? अरे मैडम, आपके दो और बचे हैं, सब पूरा हो जाए। पानी की बोतल लाए। पानी? वो किस लिए? अभी मिर्ची है। मिर्ची? क्या बात कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? पंजाबी कुड़ी हूं, वो भी दिल्ली वाली, पंगा मत लेना मुझसे। ऐसा ही कुछ कहा था ना, बचपन से मैं तीखा खा के बड़ी हुई हूं। Am I right? अभी पानी। अरे नहीं है। अभी थैली में क्या है? सरप्राइज है जो घर पे जाके पता चलेगा। अभी पानी दो प्लीज। अभी अभी बुलाता हूँ। पानी पानी पानी। अभी भाई और दिखाओ गया। अभी पानी दो, पानी दो। डॉटर की रावा बंद करो, पानी पिलाओ। अभी तो मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, लेकिन कॉलेज के बाद हॉस्टल जाऊंगी। वो जो हमारी क्लास में हॉस्टल की लड़कियां ना, वो एक पार्टी दे रही है। लास्ट ईयर है ना, एक महीने बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, पर देख लौटने में देर मत करना। हाँ माँ। मिली, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ वकील साहब से मिलने। चल तुझे कैंपस छोड़ देता हूँ। चलो आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी जी ये देखो, ये देखो अपना नया घर है। 12/24 के दरवाजे तो हमेशा ही खुले रहते हैं। देखो मम्मी जी देखो, ये अपना घर देख लो, नया फर्स्ट क्लास। अल्लाह, तो फिर घुस गया? अरे मेरी जान, ठंड रख ठंड। उस दिन इंस्पेक्टर साहब ने क्या समझाया था समझ में नहीं आया क्या? देख इसीलिए ठुल्ले लाया हूं साथ में। अब क्या है ना यार, कभी तो अभी मार देता है और कभी सिमी सी लगा देती है, इसीलिए मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेते हैं। हवलदार साहब समझाना जरा। गोलू घर बड़ा छोटा है। ओए होए मम्मी जी, आपको भी लग रहा है, ये ऐसे करेंगे ना एक दीवार गिरा देंगे, ये किचन हटा के इकट्ठा कर देंगे दोनों चीजों को। आप क्यों टेंशन लेते हो? बस मम्मी जी, सिमी जी का रूम वैसे का वैसे ही रखेंगे, उसमें ना मैं रह जाऊंगा। मेरी ना बड़ी यादें बसी हुई हैं इस घर के अंदर। पर कोलू ये ऊपर बरसाती भी है ना। मैं उधर विच ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। ओहो मम्मी जी, किसी गरीब को दे देंगे किराए पे। मम्मी जी क्या है आप बिना बाइक और दूसरों की भलाई का ही सोचते रहते हैं। ओहो हड्डू, मुझे आ गया स्वाद आ गया। आंटी जी, आंटी जी लगता है आपके हाथ के बने लड्डू हैं। ओए गोलू, किचन तो बड़ी साफ सुथरी है। ओ मम्मी, सिमी जी, अब सिमी जी कहाँ? सिमी जी, सिमी जी, सिमी जी घर पे नहीं है क्या? ओहो कॉलेज गई होंगी। हाँ। कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात, मैं अंकल जी से मिलाता हूँ, आ जाओ। आओ मम्मी जी आओ। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते नमस्ते, जय माता की। मम्मी जी ये बेडरूम है इनका, ये देखिए, अगर आपको लगता है इंटीरियर्स को चेंज करने हैं। हाँ। ये भी चेंज, बाकी तो मेरे ख्याल ठीक ही लग रहा है, फर्स्ट क्लास। और ये अंकल जी पड़े हुए बीच में, ये हट जाएंगे तो अपने आप ही फिर अच्छा लगे करूं। तो ये बाथरूम देखना आपने, दिखाना गंदे ऐसे। आओ उधर बरसाती, आपको दिखाता हूं। इधर से लेफ्ट जाके हम ऊपर रास्ता है, इधर बटे भी एक बार वहां से। अबे ओए, एक बात घुसा ले अपने दिमाग में, जब तक हम इस घर में हैं ये घर हमारा है। चुपचाप निकल ले यहां से वरना। हाय हाय, मेरा कोई छोटा भाई होता ना मेरे जैसा तो आपकी शादी करा देता उससे। मम्मी जी क्या है ये, मिली जी मुझे बड़ी स्वीटू लगती है, स्वीटू। भल्ला बकवास मत कर, बहुत हो गया तेरा। ओए चुप कर, मेरे ही घर में मेरे से ऊंची आवाज में बात मत कर, समझा? और सुनो, तुम्हारे पास ना 6 दिन है खाली इस घर को खाली करने के लिए। 6 दिन में इस घर से गेट आउट, समझ गया ना? पानी वानी नहीं है क्या? आमी यार तू गुस्सा दिला देता है। अब देख, मैं तो बड़ा शांत मिजाज का आदमी हूं और मैं चाहता हूं ये सारे काम शांति से निपट जाए। हैं? जय माता की आंटी जी। हैं? चलता हूं मैं, सिमी जी को जरा मेरी तरफ से हेलो कह देना आंटी जी। चले मम्मी जी, अगली बार इंटीरियर डेकोरेटर साथ लेके आएंगे। हैं? टाटा। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, अरे यहाँ नया पेंट करा देंगे। अभी दी को फोन करके सब कुछ बताती हूँ।
नहीं मिली। सिमी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, बेचारे इतने दिनों बाद एक दूसरे के साथ गए हैं। 6 दिन बचे हैं ना अपने पास। माता रानी जो चाहेगी वही होगा। मिली तू आज बाहर मत जा, ये पार्टी शार्टी बेटा मेरा दिल नहीं मान रहा। किस लिए माँ? इस आदमी की वजह से? अरे ऐसे लोगों की तो कोई औकात ही नहीं होती है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि हम उनसे डर कर बैठे रहे। हाँ माँ, हम ऐसे लोगों की वजह से अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, और मैं छोड़ रहा हूं ना मिली को, आप चिंता मत कीजिए। चल मिली।